जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे यहां निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के एक आंकड़े के अनुसार पहले दो चरणों में कुल उम्मीदवारों में से 44% उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के बाद के परिदृश्य में वो संभावित किंग मेकर के तौर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई विधानसभा क्षेत्रों से कुल 214 निर्दलीय उम्मीदवारों ने पहले और दूसरे चरण में निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प चुना है। निर्दलीय उम्मीदवारों में से सांसद इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख की अगुवाई वाली आवामी इत्तेहाद पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल हैं, जिन्हें जेल से जमानत पर रिहा किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पहले से प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी संगठन के 4 उम्मीदवार भी निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। AIP ने विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए कश्मीर के कई हिस्सों में अब तक 26 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि जमात ए इस्लामी के 4 पूर्व सदस्य अब तक चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पता चलता है कि आगामी चुनावों में कई निर्वाचन क्षेत्रों से निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। विधानसभा में इन निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि उन राजनेताओं के लिए चिंता का कारण बन गई है जिनके पास कई पारंपरिक वोट बैंक हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले नंबर पर आता है और PDP दूसरे नंबर पर। दोनों प्रसिद्ध पार्टियों को लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी उनकी वोट काट सकती है और उनके विरोधियों का फायदा पहुंच सकता है। विधानसभा चुनाव के दो चरणों के लिए नामांकन की तिथि समाप्त हो गई है, जबकि तीसरे चरण के तहत होने वाले उत्तरी कश्मीर की सीटों के लिए नामांकन अभी भी जारी हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी तिथियों के अनुसार जम्मू कश्मीर के कुल 90 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को, दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को और तीसरे चरण और अंतिम चरण में शेष 40 सीटों पर मतदान होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ना सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में भाजपा की चाल बता रहे हैं, बल्कि महबूबा ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों की फंडिंग पर भी सवाल उठा रही हैं, जिनमें इंजीनियर राशिद भी शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महबूबा मुफ्ती की तर्ज पर इन निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के पीछे साजिश का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि इन निर्दलीय उम्मीदवारों को फंडिंग कहां से मिलती है और कौन उन्हें मैदान में उतार रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन ने भी निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के पीछे इसे भाजपा की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्यों में बांटकर कई स्थानों पर निर्दलीय और प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारती है, भाजपा इसी तरह चुनाव लड़ती है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल के अनुसार अभी सबसे ज़्यादा फोकस चुनाव लड़ने पर है और पार्टी का मुख्य लक्ष्य जम्मू के ज़्यादातर सीटें जीतना है।